मेरा नाम ममता राकेश है। मैं उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद से भगवानपुर विधानसभा से तीसरी बार विधायक बनी। देखिए, राष्ट्रीय विधायकों का सम्मेलन जो है NLC कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का प्रतिभाग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह का इतना बड़ा इवेंट मैं पहली बार देख रही हूँ। इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए ताकि जो नए विधायक हैं उन्हें सीखने का अवसर मिल सके और जो एक्सपीरियंस होल्डर विधायक हैं उन्हें भी नया कुछ यहाँ से सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। देखिए, उस बारे में उस स्कूल की मुझे बहुत अच्छी पहल लगी कि इस तरह के कार्यक्रम NLC कार्यक्रम में वो बच्चे हमारे युवा छात्र छात्राएं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं उन्हें ये सीखने के लिए अनुभव के लिए बहुत अच्छा उनके लिए विकल्प है। इस तरह की घटनाओं से वो सीखेंगे और मुझे खुद एक सुखद अनुभव हुआ जब मुझे अटेंड करने के लिए BTech के स्टूडेंट्स आए और वो वास्तव में पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र भगवानपुर है जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पर बहुत सी औद्योगिक कंपनियाँ हैं। हमारा विधानसभा क्षेत्र से लगता हुआ उत्तर प्रदेश की सीमा का सीमांत गांव लगभग है और जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, सहारनपुर की सीमा शुरू होती है, तो हमारे यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था है। लेकिन अब कुछ समय से यहाँ पर बाहर से आकर के अपराधी शरणार्थी बने हुए हैं। वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करके वहाँ किराए पर कमरा लेते हैं, तो आपराधिक गतिविधियों में कुछ समय से संलिप्त हो रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ की पुलिस को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाओं का जल्दी खुलासा हो रहा है और वो किराएदारों का और फैक्ट्री वालों का और जो बाग में काम करते हैं उनका सत्यापन कर रहे हैं। मैं पुलिस को बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, मुझसे पहले मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी 2012 से 2015 तक परिवहन और समाज कल्याण मंत्री रहे उत्तराखंड सरकार में और उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए उस समय सभी क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, और उनकी विशिष्ट पहचान थी। अचानक मेरे पति का निधन फरवरी 2015 में होने के कारण मुझे बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा। मुझे पार्टी ने बाई इलेक्शन लड़ाया और मैंने वहाँ से बम्पर जीत हासिल की और अब तब से 2017 और अब 2023 में मैं तीसरी बार विधायक वहाँ से बनी। मेरे आइडियल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उसके बाद सभी आदर्श नेता जो किसी भी दल से संबंध हो। मेरा ये मानना है कि अच्छा हमें जहाँ से भी मिले हमें सीखना चाहिए। मैं रहूँ ना रहूँ ये देश रहे और समाज के लिए हम अच्छे कार्य करते रहें। मेरे बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी, मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी मेरे आदर्श रहे और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर मैं जनता की सेवा कर रही हूँ। भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, चाहे हम जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारा प्रशासन हो, पुलिस, उस सभी जनता के लिए हैं। जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया शासन है। यही इसकी खूबसूरती है कि यह एक गुलदस्ता है जहां हर धर्म के, हर जाति के, हर संप्रदाय के लोग मिलजुल करके रहते हैं। इस गुलदस्ते को हमें बरकरार रखना है। मैं यही संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। मेरे लिए तो सभी यादगार चुनाव हैं, लेकिन पहला चुनाव मैं कभी भूल नहीं सकती जिसमें मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के किए कार्यों का फल और हमारी पार्टी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद पर मैं खरी भी उतरी और उन्हीं के आशीर्वाद से, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के आशीर्वाद से मैं तीसरी बार विधायक बनी। ये मेरे लिए सब अविस्मरणीय पल हैं और चाहती हूँ कि अभी वो पल नहीं आया है जिसकी बात आप कर रहे हैं। मैं जनता के लिए बहुत से ऐसे कार्य करना चाहती हूँ जो अभी छूटे हुए हैं। जब तक वो विकास कार्य पूरे नहीं होंगे, मेरे पति का सपना पूरा नहीं होगा, वो पल मेरी ज़िंदगी में आना बाकी है। मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी ताकत है सच की ताकत और जनता का विश्वास जीतने की ताकत है। वो जनता का आशीर्वाद, जनता का विश्वास है कि उन्होंने मुझे तीसरी बार विधायक बनाया है और लगातार वो मुझ पर विश्वास जता रहे हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार जीवन का क्षण वो था जब मैं पहली बार मैं शिक्षिका रही हूँ और आज भी मैं अपने आप को शिक्षिका पहले और विधायक बाद में मानती हूँ, तो उस पल को मैं भूल नहीं सकती। निश्चित रूप से मैं युवाओं को ये सलाह देना चाहती हूँ कि स्वस्थ राजनीति करें और हमारे जो युवा हैं
वो युवाओं को प्रेरित करें एक तो रोज़गार के प्रति, और दूसरी जो जहर आज समाज में घुल रहा है, राष्ट्र में घुल रहा है, वो युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। और हम युवाओं को ये भी संदेश देंगे कि आजकल हमारे युवा मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ लगाते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हों, टू व्हीलर पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं और उसमें हमारे युवा दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो मैं युवा को संदेश देना चाहती हूँ, नींद, नशा, तेज़ रफ्तार और मोबाइल, इन चारों को सीमित संसाधनों के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए, इनका दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ और आदर्श जीवन जी सकते हैं और समाज के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत होकर सकते हैं।